Friends, Razul here. Today we will start part 3 of chapter number 7, Getting to Know Plants, that is Flower. ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे part 2 में. आज हमने करना है flower, parts of a flower and its functions. A flower is the reproductive part of a plant. जो flower है वो plant का reproductive part होता है. It helps the plant to produce more of its kind. For this reason, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है, मतलब अपने ही जैसे प्लांट दूसरे प्लांट बनाना, ठीक है, वो काम करता है फ्लावर. तो इसी रीज़न की वजह से ये जो फ्लावर पार्ट है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पार्ट्स कौन कौन से फ्लावर के. फ्लावर्स वेरी इन शेप, साइज एंड कलर. वेरी मीन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, शेप, साइज और कलर में. बट मोस्ट फ्लावर्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. कुछ मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं उनके सेम ही बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है. सो अ फ्लावर इन जनरल शोज फोर सेट्स ऑफ पार्ट अरेंज्ड इन रिंग्स और हॉल्स. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. कैलिक्स में क्या होता है, द आउटर मोस्ट हॉल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स. जो ये पार्ट होता है इसमें बाहर वाला आ जाता है होल, ठीक है. इस पार्ट में जो फ्लावर का जो ग्रीन और स्मॉल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेपल्स जिसको बोलते हैं, वो आ जाते हैं. तो ये काम क्या करता है, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बर्ड स्टेज. जब वो बर्ड स्टेज में होता है ना फ्लावर, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, सेपल्स, ठीक है. मतलब बर्ड होता क्या है, यंग अनओपन कंडीशन ऑफ अ फ्लावर, जब वो खुलता नहीं है पूरी प्रॉपर तरह. सेपल्स यहाँ पे देखो, सेपल्स कौन सी है, ये वाली, दीज आर सेपल्स. तो आपने देखा होगा जब वो बड लाइक, मतलब कि इस टाइप से जब वो होता है फ्लावर, तो उसके चारों तरफ इसकी कवरिंग होती है सेपल्स की, ठीक है. तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बर्ड को. द नेक्स्ट होल कोरोला कंसिस्ट ऑफ द पेटल्स. अब नेक्स्ट होल में क्या आ जाता है, कोरोला, जो अंदर वाली चीज़ होती है. इसके अंदर क्या होती है, ये वाली पेटल्स होती है सबसे पहले, ठीक है. दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड आर यूजली ब्राइटली कलर्ड, ठीक है. तो ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है फ्लावर का, और ये ब्राइटली होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स के भी हो सकते हैं. लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स कैन बी ईजिली सीन इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज एंड गुलमोहर. इफ़ वी रिमूव द पेटल्स एंड सेपल्स, अगर हम इस सेपल को भी रिमूव कर दें, ठीक है, और इसके पेटल्स को भी रिमूव कर दें फ्लावर के, ठीक है, तो हमें तीसरे वाला पार्ट नज़र आएगा, ठीक है, एंड्रोशियम जिसको बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टैमन्स. क्या होता है, इसके अंदर स्टैमन प्रेजेंट होता है. दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. अब देखो क्या होता है कि फ्लावर के हम पार्ट्स डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको, जिसमें आसानी रहेगी हमें. अब देखो जो फ्लावर है, फ्लावर के टू पार्ट्स होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैमन, ठीक है. और जो स्टैमन होते हैं उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं स्टैमन में, ठीक है, एंथर और फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट स्टैमन में होते हैं, और जो स्टैमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है पिस्टिल. क्या होता है, पिस्टिल. पिस्टिल में भी इसके भी फोर पार्ट्स हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल किस में आ जाते हैं, पिस्टिल में. और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, फ्लावर का, ठीक है. आगे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं. सो देखो, पहले मैंने आपको बताया था स्टैमन के बारे में, अभी बताया ना स्टैमन के बारे में. तो देखो स्टैमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है. इस स्टैमन में मैंने आपको बताया था कि टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एंथर और फिलामेंट. अब जो एंथर होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, और जो फिलामेंट होता है वो स्टॉक पार्ट होता है, जैसे स्टिक टाइप जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फिलामेंट, ठीक है. अब इस फ्लावर के अंदर कहाँ है स्टैमन, ये देखो एंथर दिख रहा है, और इसके नीचे ऐसे ये है ना, तो ये क्या है, फिलामेंट. नीचे जो स्टॉक्स है वो फिलामेंट है, और ऊपर क्या है, एंथर है, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा फिलामेंट और एंथर क्या बनाता है, दोनों मिलके स्टैमन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, स्टैमन. उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे अगर आए हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको बताया था
उसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल में फोर पार्ट्स होते हैं, जो ये पार्ट होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्लावर के सेंटर सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर के सेंटर में होता है ये पार्ट, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उसके साइडों में होता है, ठीक है। सो बीच वाला पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर होते हैं देखो, सबसे पहले ऊपर होएगा स्टिग्मा, फिर नीचे आने पे वो हो जाएगा स्टाइल, फिर उससे अगर नीचे आते हैं तो ये स्वोलन पार्ट जो होता है वो होता है ओवरी, ठीक है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिरती हैं, वो बाद में आएगा आपके इसी चैप्टर के। सो अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, इफ वी रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स वी कैन सी द नेक्स्ट होल विच इज एंड्रोशियम, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हर एक स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर, मतलब फिलामेंट कौन सा पार्ट होता है उसका, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला पार्ट होता है, तो थिन लॉन्ग स्टॉक जो होएगा वो होता है फिलामेंट, और जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंथर, ठीक है, अ नोब लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर, तो वो क्या है, एंथर, द एंथर प्रोड्यूसेस मेल जेमेट्स इन लार्ज नंबर, जो एंथर है ना ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेल जेमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसके अंदर मेल जेमेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द इनर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर इज गाइनोशियम, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द पिस्टिल और कार्पेल, कार्पेल भी कह सकते हैं इसको, पिस्टिल को, तो पिस्टिल जो होता है सेंटर वाला पार्ट वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये सारा कौन सा पार्ट है, हमारा पिस्टिल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, इस पिस्टिल में थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, और जो फोर्थ जो पार्ट है ओव्यूल हमारा वो ओवरी में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ओवरी होता क्या है, ओवरी इज द स्वोलन पोर्शन ऑफ द एट द बेस ऑफ द पिस्टिल, बेस मतलब नीचे, ठीक है, तो क्या होता है जो ओवरी है वो फ्लावर के जो ये स्ट्रक्चर है इसके, इसका जो स्वोलन पार्ट होता है जो मोटे वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा ओवरी, ठीक है। द ओवरी एक्सटेंड्स अबव एज अ थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल, तो ऊपर जाने तक ये एक थिन ये जो ओवरी है वो एक्सटेंड कर जाता है और वहाँ पे क्या होता है, स्टाइल, ठीक है, द स्टाइल एंड्स इन अ नोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये एंड कहाँ पे करता है, स्टाइल एक नोब लाइक स्ट्रक्चर में एंड करता है, ठीक है, टिप के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, द स्टिग्मा रिसीव्स द मेल जेमेट, तो ये स्टिग्मा क्या काम करता है, जो भी मेल जेमेट्स होंगे उसको रिसीव करने का काम, ठीक है, और मेल जेमेट कहाँ पे थे, एंथर में, एंथर में मेल जेमेट्स होंगे और जो मेल जेमेट्स उड़ के फीमेल जेमेट के यहाँ पे स्टिग्मा में से अंदर जाएंगे, ठीक है। सो द ओवरी कंटेन्स मैनी बेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स, तो इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल जेमेट, और फीमेल जेमेट कहाँ होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओवरी एंड ओव्यूल्स फाइनली डेवलप इन टू फ्रूट, जो ओवरी और ओव्यूल है इसके अंदर फ्रूट डेवलप होता है और फाइनली सीड प्रेजेंट हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, एंड सीड रिस्पेक्टिवली। इन मोस्ट प्लांट्स ऑल द फोर होल आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, ठीक है, मोस्टली सब में ही होते हैं ये, पर उनको जिसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट हो उसको कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, जैसे एग्जांपल पेट्यूनिया, पी, मस्टर्ड वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सम फ्लावर्स वन और मोर होल इज मिसिंग, कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा होल मिस हो जाते हैं, होते नहीं है, तो उन फ्लावर्स को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स, जैसे डेट, पाम, मलबरी, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाया हुआ है, पिक्चर भी दिखाई हुई है पेट्यूनिया की, इसके अंदर ये कंप्लीट फ्लावर है, इसके अंदर सारा कुछ प्रेजेंट होता है, और ये है मेज, इसके अंदर कुछ कुछ एक दो पार्ट प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, इसलिए इनकम्प्लीट फ्लावर है। नेक्स्ट हम करते हैं फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन है रिप्रोडक्शन। अब हमें पता है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, प्लांट का,
A flower is the organ of reproduction in plants and leads to the formation of fruit and seed. तो reproductive parts है तो इसी से ही fruit और seed बनेंगे. ठीक है, जब seed बनेंगे अगर हम seed को फिर germinate कराएंगे तो new plants produce होएंगे. New plants are produced after germination of seeds. Next है source of food. फूड का सोर्स भी है फ्लावर्स. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स इज यूज्ड एज फूड बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के लिए भी फूड का काम करते हैं ये. ठीक है, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स का नेक्टर सक कर लेते हैं कई इंसेक्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट है क्लोव्स. क्लोव्स मतलब लौंग जिसको बोलते हैं. आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड अनओपन फ्लावर बर्ड्स ऑफ क्लोव प्लांट. क्लोव प्लांट के जो बर्ड बर्ड होती है ना उससे वहां से मिलते हैं हमें क्लोव्स. ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल वैल्यू. ऑर्नामेंटल वैल्यू क्या है इसकी? फर्स्ट है फ्लावर्स आर ग्रोन इन गार्डन्स रेजिस्टेंसेज एंड अलोंग द रोड साइड्स. दे एड कलर टू द सराउंडिंग एंड प्योरीफाई द एनवायरमेंट विद देयर फ्रेग्रेंस. ठीक है, खुशबू भी आती है वहां से. कट फ्लावर्स आर यूज फॉर बुके एंड इंटीरियर डेकोरेशंस. इंटीरियर डेकोरेशंस के लिए या बुके बनाने के लिए भी फ्लावर्स का यूज किया जाता है. ठीक है, ये था आपका लेसन चैप्टर. अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं यहाँ पे. जैसे नंबर फर्स्ट है रूट. रूट क्या होता है? द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विच फिक्सेस इट इनटू द सॉइल. नेक्स्ट इज स्टेम. द मेन एक्सिस ऑफ द शूट स्टेम सिस्टम विच बियर्स द ब्रांचेस. जहाँ पे ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स बर्ड्स फ्रूट्स एंड सीड्स ये सारी चीज़ें हों उनको उनको स्टेम कहते हैं. ठीक है, शूट सिस्टम होता है ये. लीव क्या है? अ फ्लैटन ग्रीन स्ट्रक्चर विच अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम और इट्स ब्रांचेज. जो कि स्टेम से अराइज होते हैं, सॉरी नोड से अराइज होते हैं स्टेम या ब्रांचेज की. वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ ब्लेड. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्लोस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम थ्रू द लीव्स. ठीक है, लीव्स के ऊपर जो वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या होएगा? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. सो दिस वॉज द लेस चैप्टर. एंड subscribe and share my channel if you like. Thanks.